आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आजम खान जिसकी चमक से घबराते थे विपक्षी, कभी राजनीति के पुरोधा हुआ करते थे आजम खान, आज वोट देने का हक भी गवा चुके हैं आजम खान। कि इस सियासत सरजमी में बड़े से बड़े नेता हुए, लेकिन इस सरजमी का मैं बेगाना तो नहीं। ये चंद लाइनें राजनीति के आजम पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। हम बात कर रहे हैं आजम खान की। राजनीति में अपनी धमक और चमक से विरोधियों की नींद फाख्ता करने वाले आजम खान की सियासत से चमक की परतें धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। एक वक्त था जब आजम का रसूख देखते बनता था। बड़े से बड़े नेता सिर झुकाकर अपने जिल्ले इलाही यानी आजम का इस्तकबाल किया करते थे। विधानसभा के गलियारों से जब ये नेता गुजरता तो बड़े से बड़े नेताओं का कारवां रुक जाया करता था। 90 के दशक में अपनी राजनीति को धार देने वाले आजम रामपुर के किसी नवाब खानदान से नहीं, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राजनीति के वो चमकते सितारे बने जिसकी चमक के आगे बड़े से बड़े नायकों ने अपनी तलवारें डाल दी। आजम खान की राजनीतिक जड़ें इतनी गहरी थी कि किसी में भी इतनी हिमाकत नहीं थी कि कोई इनकी सियासी शाख को हिला सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सुबह की शाम जरूर होती है, ठीक उसी तरह राजनीति के उस धुरंधर की सियासत का सूरज अब ढलता जा रहा है। आजम का अब सियासी कद कम होता जा रहा है। भाजपा के सत्ता में आते ही आजम खान का सियासत से ताना बाना बिगड़ना शुरू हो गया है। जीरो टॉलरेंस की नीति को सर्वोपरि रखने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब पुरानी सरकारों के कामों का लेखा जोखा देखा तो दंग रह गए। उन्होंने सबसे पहले आजम खान के गुनाहों की फाइलों को खंगाला, जिसमें पाया गया कि आजम ने गुनाह नहीं बल्कि गुनाहे अजीम किया है। उसके बाद शुरू होता है हिसाबों का दौर, वो हिसाब जिनको करते वक्त आजम ने सोचा नहीं था कि अगर हिसाब हुआ तो जाएंगे कहां। हेट स्पीच मामले में अपनी विधायकी गवा बैठे आजम खान अब किनारे पर बैठकर अपनी डूबती राजनीति का मातम मना रहे हैं, और तो और अब उनसे वोट देने का हक भी छीन लिया गया है। ये तो वही बात हो गई, मुझे मौत देकर नई बात कर दी, मेरी कश्ती थी कागज की तूने बरसात कर दी। स्पेशल डेस्क प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।